हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान अनस। आप देख रहे टेक्निकल फैम। चलिए शुरुआत करते। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोग के लिए फिर एक न्यूज़ लेके आ चुका हूँ, काफ़ी कमाल की न्यूज़ फिर मैं उठा के लेके आ चुका हूँ। आज बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A20s के बारे में हमें पता चल गया, उसकी काफ़ी डिटेल मेरे पास आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और आप फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते बिना कोई टाइम इसके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज मैं आपको बताता हूँ डिस्प्ले टाइप की। तो इसमें डिस्प्ले होने वाली है IPS डिस्प्ले, LCD होने वाली है और 16 कलर के साथ होने वाला। बात करें इसकी साइज़ की, तो साइज़ होने वाली 6.5 इंचेस की होने वाली है। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो वो 81.9% होने वाला। और ये HD+ होने वाला है, मतलब फुल HD नहीं है। तो ये एक वीक जोन पता चल गया सैमसंग गैलेक्सी का। और बात करें इसकी वेट की, तो ये कुछ 183 ग्राम का होने वाला है। तो फ़ोन भी वो अपने वेट पे हिसाब पे। और बात करें इसमें OS की, तो इसमें OS होने वाला है एंड्रॉइड 9 पाई होने वाला है। और बात करें इसमें चिपसेट की, तो चिपसेट होने वाला है स्नैपड्रैगन 450 जो हमें Realme 2 में मिला था। और इसकी बात करें तो ये 14 नैनोमीटर पे रहने वाला है। और बात करें इसमें CPU की, तो CPU भी इसमें हमें पता चल चुका है, CPU इसमें होने वाला है ऑक्टा कोर का 1.8 GHz का होने वाला है। और बात करें इसमें GPU की, तो GPU भी हमें पता चल गई, इसमें एग्रीनो की 506 होने वाली है। तो जैसे कि हमने कल देखा था रेडमी में 505 है, तो इसमें 506 होने वाली है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा बहुत। और बात करें इसकी मेमोरी कार्ड स्लॉट की, तो ये काफ़ी कमाल है, ये काफ़ी अच्छा दिया है सैमसंग वाले ने। हमें इसमें 2 नैनो सिम के साथ मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, मतलब डेडिकेटेड स्लॉट है। और सबसे सरप्राइजिंग की बात ये है कि इसमें हमें 1 TB तक का सपोर्टेड मिल रहा है, तो काफ़ी कमाल है। और इसमें 2 वेरिएंट अभी पता चला है, जिसे हमें आ रहा है 3/32 आ रहा है और 1/4/64 आ रहा है। तो ये 2 वेरिएंट अभी हमें पता चला है। और बात करें इसके कैमरा की, तो कैमरा ट्रिपल कैमरा होने वाला है। और कैमरे में कुछ हमें मेन कैमरा जो मिलने वाला है 13 MP का, जिसका बचर है 1.8 है वाइट, उसका आगे नाम लिखा है वाइट। और एक 8 MP का कैमरा जिसका अपर्चर 2.2 है जो अल्ट्रा वाइट है। और एक 5 MP का कैमरा मिल रहा है जो अपर्चर वो 2.2 है। और बात करें डफ सेंसर है वो। और बात करें नीचे LED फ्लैश भी मिल रही है हमें। और बात करें सेल्फी की, तो सेल्फी भी अपने हिसाब से सही है। ये जो रेंज में अभी हमने यूरोप से कन्वर्ट करके आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो यूरोप से अभी मुझे कुछ पता चला है यूरोप का जो 150 होने वाला है यूरोप का, तो अभी इंडिया का कन्वर्ट करके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख लेना। और फ्रेंड बात करें इसकी सेल्फी की, तो सेल्फी कैमरा 8 MP का होने वाला है, जिसका अपर्चर 2.0 है। और बात करें इसमें लाउड स्पीकर दिया गया, इसमें भी लाउड स्पीकर है या। और मेन बात इसमें हमें 3.5 mm जैक भी मिल रहा है। और इसमें हमें अभी 4 कलर का कुछ ऑप्शन पता चला है, मेन कलर होने वाला है ब्लैक एंड ब्लू एंड रेड एंड ग्रीन, तो ये सब कलर होने वाले फ़ोन के। और बात करें इसकी बैटरी की, तो बैटरी भी अच्छी मिल चुकी है, 4000 mAh की बैटरी मिल चुकी है हमें। 15 वोल्ट का चार्जर मिल रहा है फास्ट। अब वो इन द बॉक्स होता है कि नहीं वो तो अभी नहीं मालूम, लेकिन 15 वोल्ट का फास्ट चार्जर ये सपोर्ट करता है, ये पता चला है। बात करें इसमें स्टार वैल्यू यूरोप की, तो हमें स्टार वैल्यू यूरोप की पता चल गई है 0.35% ये हेड की है। और बात करें बॉडी की, तो 0.83% ये बॉडी की है। और यूरोप प्राइस में कन्वर्ट करें तो कुछ 150 यूरो पे, तो अगर उसको हम कन्वर्ट करके फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट में मुझे बताना, और आपको ये न्यूज़ कैसी लग रही मुझे कमेंट में बताना, और आप लोग ये फ़ोन के लिए कितना एक्साइटेड है मुझे वो भी बताना। और फ्रेंड्स मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और व्यूज़ बढ़ाइए। फ्रेंड्स आप लोग के ऐसे मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में और भी वीडियो लाऊंगा। और हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैं कुछ दिन में 2-3 अनबॉक्सिंग लाने वाला हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो, कंपैरिजन भी करूँगा मैं। तो जब तक हैव अ गुड डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।